समाकलन इंटीग्रेशन के बारे में देखते हैं। देखिए जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स होता है। जैसे हम डेरिवेटिव निकालते हैं, अवकलन करते हैं, तो अवकलन का जस्ट जो उल्टा होता है वो समाकलन होता है। जैसे आपने देखा होगा कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस सी। यहां हम बात करते हैं, तो पहली बात तो ये इंटीग्रेशन है यानी समाकलन का साइन है। ये जो इंटीग्रेशन है वो बताता क्या है या फिर बोलेंगे इसका जो एप्लीकेशन क्या होता है। जैसे डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन में हमने एप्लीकेशन देखे थे कि उसकी हम जैसे टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालते हैं, उसके बाद में उसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालते हैं, वो एप्लीकेशन होते हैं डेरिवेटिव के। सेम है आपका जो इंटीग्रेशन होता है यानी जो समाकलन होता है, समाकलन का जो उपयोग है या फिर समाकलन का जो मतलब है वो एरिया बताता है। किसी भी कर्व का क्या डिनोट करता है? एरिया, यानी कि क्षेत्रफल को डिनोट करता है। क्षेत्रफल बताएगा हमेशा। इंटीग्रेशन में देखा हुआ जैसे कोई भी कर्व है, ये वक्र है हमारा, तो इसके छोटे छोटे पार्ट होते हैं, इस प्रकार से छोटे छोटे पार्ट कर लिए जाते हैं, उन सभी का इंटीग्रेशन क्या बताता है? योगफल बताता है। क्योंकि जो समाकलन यानी इंटीग्रेशन का साइन है इसका मतलब होता है समेशन, यानी कि क्या बताता है? ये समेशन करता है, छोटे छोटे पार्टों को जो हम जोड़ लेते हैं वही हमारा इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन होता है। यानी कहने का मतलब है जो समाकलन है वो क्षेत्रफल हमारा बताता है। ये बात हम पहले इंटीग्रेशन के बारे में आपको बता देते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे हमेशा जब भी आपने इंटीग्रेशन किया होगा तो इंटीग्रेशन में समाकलन नियतांक सी का यूज होता है। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो समाकलन नियतांक सी लगाते हैं, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। वो क्यों लगाते हैं? उसका भी रीजन यहीं से आता है। पहली बात अभी हमने आपको बताया कि जो डेरिवेटिव है यानी डिफरेंशिएशन है उसका उल्टा होता है, एंटी डेरिवेटिव जो होता है वही क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिया, एक्स स्क्वायर का हमने इंटीग्रेशन किया तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स क्यू अपॉन थ्री। अभी हम आपको फॉर्मूले के बारे में बताएंगे, यहाँ पर केवल हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन है और जो डिफरेंशिएशन है इसका एक दूसरे से किस प्रकार रिलेट करते हैं। जब हमें डिफरेंशिएशन आ जाता है उसके बाद हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो इंटीग्रेशन का किस तरीके से यूज यहाँ पर होता है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया हमने, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू अपॉन थ्री और प्लस एक समाकलन नियतांक लगाया सी। बात समझिए आया कहां से? क्योंकि इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। अब हम यहाँ पर आपको एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन बताते हैं। एक्स क्यू का अगर हमने अवकलन किया तो एक्स क्यू का अवकलन हुआ देखिए थ्री एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो एक्स क्यू का अवकलन है वो कितना आएगा? थ्री एक्स स्क्वायर आएगा। अच्छा, अगर हम अवकलन यहाँ पर अभी कर दें एक्स क्यू प्लस थ्री का अवकलन करें, फिर भी इसका अवकलन कितना आएगा? एक्स क्यू का अवकलन आएगा थ्री एक्स स्क्वायर और तीन कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का अवकलन कितना हो जाएगा? जीरो। अगर हम यहाँ पर अभी लिख दें डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यू प्लस फोर और इसका अवकलन करें तो एक्स क्यू का अवकलन कितना होगा? थ्री एक्स स्क्वायर और फोर का अवकलन कितना होगा? जीरो। ऑल ओवर अभी हमने क्या बताया था आपको कि जो अवकलन का उल्टा होता है वही क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा थ्री एक्स स्क्वायर का जो अवकलन है वो कितना है? एक्स क्यू। थ्री एक्स स्क्वायर है, इसका भी अवकलन कितना है? एक्स क्यू प्लस थ्री का जो अवकलन है वो कितना? थ्री एक्स स्क्वायर है। एक्स क्यू प्लस फोर का भी अवकलन कितना है? थ्री एक्स स्क्वायर है। तो ऑल ओवर अगर हम बात करें, हम इंटीग्रेशन करके देखें तीनों का, थ्री एक्स स्क्वायर का अगर हम इंटीग्रेशन निकालें, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर का अगर हम इंटीग्रेशन करें यहाँ पर तो कितना आएगा? देखिए थ्री तो बाहर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल, तो ऑल ओवर सभी का इंटीग्रेशन कितना आ रहा है? एक्स क्यू आ रहा है। तो एक्स क्यू आ रहा है, यहाँ पर एक्स क्यू प्लस थ्री है, यहाँ पर एक्स क्यू प्लस फोर है, तो जो कॉन्स्टेंट राशियां आ रही है ये तीन चार पांच यही सी के लिए यूज होती है, इसलिए हम यहाँ पर सी लगाते हैं। इस वाले केस में जो सी का मान है वो कितना होगा? एक्स क्यू प्लस जीरो लिखेंगे। इस वाले केस में सी का मान कितना होगा? एक्स क्यू प्लस थ्री लिखेंगे। इस वाले केस में सी का मान कितना होगा? एक्स क्यू प्लस फोर लिखेंगे। ये सभी जो वैल्यू जो कॉन्स्टेंट लिए गई है सभी क्या बताते हैं? सी बताते हैं। इसलिए हम समाकलन नियतांक का यूज करते हैं। तो जो समाकलन नियतांक होता है वो फैमिली ऑफ कर्व बताता है। यहाँ पर एक फैमिली ऑफ कर्व आएगा ये, फिर दूसरा थ्री के लिए फैमिली ऑफ कर्व आएगा, फिर फोर के लिए फैमिली ऑफ कर्व आएगा, और इन सभी को हम जोड़ देंगे जब तब हमारा क्या आता है? फिर एरिया आता है। इन फैमिली ऑफ कर्व से क्या निकलता है? एरिया निकलता है। ये होता है इंटीग्रेशन का यूज या फिर इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन। समाकलन नियतांक भी समझ में आ गया होगा आपका, समाकलन नियतांक क्यों हम यहाँ पर यूज करते हैं या फिर क्यों हम यहाँ पर लगाते हैं। देखिए समाकलन के सूत्र देख लेते हैं।
फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले पहला फॉर्मूला समझते हैं, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डीएक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस एनी कॉन्स्टेंट सी। हमने आपको बताया था कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स होता है, इसे चेक भी कर सकते हैं। इसका अगर हम डिफरेंशिएशन निकालें यहाँ से तो वो कितना आएगा, एक्स की पावर एन आएगा, देख सकते हैं आप, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। क्या रूल होता है कि पहला तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएंगे, वन अपॉन एन प्लस वन, जो पावर है उसे आगे लिखेंगे, एन प्लस वन आगे आएंगे, एक पावर घटा देंगे क्योंकि एक्स की पावर एन का होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो एक पावर घटेगी तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, एन प्लस वन से वन एन प्लस वन कैंसिल, कितना आएगा एक्स की पावर एन। तो इसका इंटीग्रेशन कितना था ये, और इसका डिफरेंशिएशन कितना, एक्स की पावर एन। सेकंड देखिए, बात करें वन का, तो वन का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स होता है। तीसरा देख लेते हैं, यहां पर e की पावर x, e की पावर x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है। फोर्थ, अगर बात करें वन अपॉन x की, तो वन अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका, log x होता है। अगला देखें sin x, sin x का इंटीग्रेशन देख लेते हैं, तो sin x का जो इंटीग्रेशन होता है, sin x का इंटीग्रेशन, तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x प्लस c, क्योंकि उल्टा होता है आपको बताया पहले से, साइन एक्स का आपके लिए वहां होता था कॉस एक्स, यहाँ पर कॉस एक्स का अगर इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पर होता है साइन एक्स। देखिए अगला, कॉस एक्स, कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, साइन एक्स होता है। नेक्स्ट इधर देख लेते हैं, सातवां, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, यहां पर देखते हैं टेन एक्स, टेन एक्स का देखिए, वैसे टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो अलग होता है, टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का लॉग मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स होता है और प्लस का सी होता है, और यदि से लॉग एम अपॉन एम के थ्रू लॉग एम अपॉन एम कर दे तो लॉग सेक एक्स प्लस सी भी होता है, अगर टेन एक्स की बात करें फॉर्मूले की, वैसे अलग फॉर्मूले होते हैं टेन एक्स के, कॉट एक्स के, ये फॉर्मूले अलग होते हैं। साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, यहाँ से हम सेक स्क्वायर एक्स की बात कर रहे थे, तो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो टेन एक्स होता है। अगला देखते हैं, कोसेक एक्स कॉट एक्स, या बोले माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, या फिर बोल सकते हैं कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, माइनस का कोसेक एक्स होता है। ऐसे देखिए सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक एक्स होता है। अगला आपका कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का कॉट एक्स होता है। ये माइनस साइन इधर भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स हो जाएगा तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कोसेक एक्स हो जाएगा। देखिए इनवर्स में फॉर्मूले होते हैं, इनवर्स वाले भी देख लेते हैं, जैसे साइन वर्स एक्स का फॉर्मूला होता है वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स। अगला होता है माइनस के वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन होता है वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ऐसे इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, और प्लस का क्या लगेगा यहाँ पर सी, कॉस इनवर्स एक्स लिखा हुआ है। अगला है देखिए डीएक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स एक्स का, और जो आगे इंटीग्रेशन है डीएक्स अपॉन माइनस का वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन होता है कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये इंटीग्रेशन होता है सेक इनवर्स एक्स का। अच्छा आगे देखते हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन माइनस का एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये इंटीग्रेशन होता है कोसेक इनवर्स एक्स और प्लस का सी। यहाँ पर देखिए हमने इंटीग्रेशन देख लिया, जो जनरली यूज होते हैं, वैसे तो फर्स्ट सेकंड इंटीग्रेशन आगे अप्लाई होता है, उसके बाद में फर्स्ट सेकंड मान लेगा, एलेट रूल होता है, एलेट के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट सेकंड मानते हैं। चलिए पहले इन पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने अभी यहाँ पर आपको फॉर्मूला डिस्कशन दिए उनके ऊपर। थोड़ी सी आवाज गूंज रही होगी क्योंकि माइक अवेलेबल ना होने के कारण मोबाइल से ही शूट किया जा रहा है, तो इसलिए आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम
हो सकती है। देखिए क्वेश्चन देखा हमने यहाँ पर, जैसे कि सिंपली हमने पहले क्वेश्चन लिया है साइन 2x dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पहले साइन x मानेंगे, यहाँ पर साइन x के अकॉर्डिंग चलेंगे क्योंकि फॉर्मूला साइन x में ही तो जानते हैं हम। तो साइन x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस x, ऐसे इसका होगा माइनस का कॉस 2x। अगर डायरेक्टली बात करें तो हमेशा याद रखें कि मल्टीपल में कितना है दो, ये मल्टीपल में तो इंटीग्रेशन में डिवाइड में जाएगा टू, तो अपॉन में टू आएगा प्लस का एनी कॉन्स्टेंट सी, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगर हमें समझ ना आए जनरली ये आया कहाँ से, तो देखिए करते क्या है, अगर एक्स की जगह कुछ भी है तो यहाँ पर लेट करके मान लेते हैं और यहाँ पर ऐसे टी मान लेते हैं। और दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, यहाँ पर लेट टू एक्स इक्वल टू टू, टू एक्स इक्वल टू टी मान लिया, और जिसे मानते हैं यहाँ पर उसका क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो यहाँ डिफ्रेंसिएशन करेंगे, टू एक्स का अवकलन तो यहाँ पर वन हो जाएगा, और इधर डी टी अपॉन डी एक्स, इसका दर्शा होना करेंगे तो टू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी, यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो डी एक्स बराबर हो जाएगा, देखिए डी टी अपॉन टू यहाँ पर अप्लाई कर देगा। तो देखिए इंटीग्रेशन किस प्रकार कन्वर्ट हो जाएगा, साइन टू एक्स की जगह कितना आएगा टी, और डी एक्स की जगह आएगा डी टी अपॉन टू। इंटीग्रेशन में होता क्या है, जो कॉन्स्टेंट राशियाँ होती है वो बाहर चली जाती है, बाहर आ जाएंगी, भाग में ही लगी, तो वन अपॉन टू आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन साइन टी डी टी वन अपॉन टू, साइन टी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो साइन टी का इंटीग्रेशन यहाँ पर जो होता है कितना हो जाएगा माइनस का कॉस टी, तो माइनस का कॉस टी और प्लस का सी, जिसमें क्वेश्चन होता है उसी में आंसर होता है, क्योंकि एक्स में क्वेश्चन तो एक्स में ही आंसर आएगा, इसलिए टी की वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे, बदल इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा, कॉस टी की जगह कितना आ जाएगा आपका टू एक्स आ जाएगा और प्लस का सी, तो वही आंसर लिखा था कि माइनस का वन बाई टू, माइनस है वन बाई टू कॉस टू एक्स प्लस सी। तो ऑल ओवर कहने का मतलब है, इतना बड़ा ना करके हम डायरेक्टली कर देते हैं यहाँ से, यहाँ से आपको याद रखना है कि जो मल्टीपल में अगर टू एक्स लिखा है, यहाँ पर टू एक्स है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि अगर मल्टीपल में लिखा है तो डिवाइड में डायरेक्ट लिख देंगे, और अगर वो डिवाइड में लिखा है तो मल्टीपल में लिख देंगे। यही बात अगर डिफरेंशिएशन की होती तो डिफरेंशिएशन में सीधा सीधा रिलेशन होता है, टू एक्स अगर मल्टीपल में टू लिखा तो मल्टीपल में लिख देते हैं, डिवाइड में होता तो डिवाइड में लिख देते हैं। तो समझ लेते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पर ई की पावर फाइव एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, इस टाइप का इंटीग्रेशन करके देखते हैं। तो हमने आपको बताया है, डायरेक्टली करेंगे, मान के आपको करने की जरूरत नहीं है, हमने आपको मेथड बता दिया किस तरीके से कर सकते हैं। तो ई की पावर फाइव एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर फाइव एक्स, यहाँ पर देखिए पांच मल्टीपल में तो पांच किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा यहाँ पर लॉग एक्स प्लस थ्री, थ्री यहाँ पर कैसी राशि है, कॉन्स्टेंट राशि है, तो थ्री तो आ जाएगी बाहर, वन बचेगा, वन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा यहाँ पर एक्स और प्लस एनी कॉन्स्टेंट सी। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली क्वेश्चन को यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए सिंपल क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर बताया, इस प्रकार से भी क्वेश्चनों को किया जा सकता है आसानी से। अगर बाय द वे देखिए डिवाइड में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, जैसे ये लिखा है एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स और डिवाइड में यहाँ पर लिखा है एक्स, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो पहले अलग अलग ब्रेक कर लेंगे इसे, एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स प्लस फाइव एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स और इंटू में कितना आएगा डी एक्स, यहाँ से काट देंगे तो पावर कितनी बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव प्लस सिक्स अपॉन एक्स और इंटू कितना हो जाएगा ये डी एक्स, ठीक है। यहाँ इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की पावर एन से करेंगे, एक्स की पावर एन से इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका एक्स क्यू अपॉन थ्री, क्योंकि हमने एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन आपको बताया, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और प्लस का सी होता है। ऐसे यहाँ पे चलते हैं, ये देखिए फाइव है, फाइव गुणांक है, फाइव को बाहर रखेंगे कॉन्स्टेंट है, यहाँ बचेगा वन और वन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स, तो कितना हो जाएगा फाइव एक्स प्लस सिक्स, देखिए एज ए गुणांक कोफिशिएंट की तरीके से ट्रीट होगा, ये सिक्स आगे आ जाएगा, यहाँ बचेगा वन अपॉन एक्स और वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा लॉग एक्स प्लस एनी कॉन्स्टेंट सी। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं जो सिंपल क्वेश्चन आपके दिए हुए। कुछ इनवर्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमने फॉर्मूले बताया आपको उस टाइप का। जैसे क्वेश्चन आपका ये दिया है थ्री अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर,
एन टू में कितना है डी एक्स है। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए थ्री को तो बाहर ले लेंगे, ये कोफिशिएंट कितना बचेगा डी एक्स अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला बताया था हमने आपको, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बताया था, तो ये कितना हो जाएगा देखिए थ्री साइन इनवर्स एक्स और प्लस का सी। यहाँ से इस तरीके से इन क्वेश्चनों को भी आसानी से किया जा सकता है। चलिए अच्छा क्वेश्चन हम आपको फर्स्ट सेकंड के बारे में बता दें, इस प्रकार से आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड के अगर दो फंक्शन हमारे मल्टीपल में हो उन क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से करें उसे भी देख लेते हैं। देखिए अगर दो फंक्शन हमारे मल्टीपल में हो तो पहले फंक्शन को मानते हैं एफ वन एक्स और दूसरा दिया एफ टू एक्स और डी एक्स, जैसे ये फंक्शन दो मल्टीपल में दिए हुए तो इस प्रकार के इंटीग्रेशन को किस तरीके से करें। फॉर एग्जाम्पल मान सकते हैं जैसे दिया देखिए एक्स ई की पावर एक्स और डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें फंक्शन को मल्टीपल में तो फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा और फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला होता है, तो फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला इस प्रकार से याद रखें, या तो ऐसे मान लें और फॉर्मूले के लिए ऐसे मान लें फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये दो फंक्शन इंटीग्रेशन में। तो इन दोनों फंक्शनों को अगर हमें मल्टीपल में है तो इनका इंटीग्रेशन करना तो कैसे करेंगे, सूत्र ये होता है फॉर्मूला आपका कि फर्स्ट फंक्शन को सेम लिखते हैं बिल्कुल सेम लिख दीजिए, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दीजिए, फिर माइनस इंटीग्रेशन फुल इंटीग्रेशन होता है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन कर दीजिए इसी के अंदर। सेकंड वाले का क्या कर देते हैं यहाँ से इंटीग्रेशन कर देते हैं सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन और इस पूरे पार्ट का क्या कर देते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ से इस तरीके से फॉर्मूले को समझे या फिर और इस तरीके से भी समझ सकते हैं, फंक्शन में लिखा है तो क्या होता है फर्स्ट फंक्शन सेम लिखें, सेम लिखा हमने यहाँ पर, सेकंड का इंटीग्रेशन करें सेकंड का इंटीग्रेशन तो एफ टू एक्स का क्या कर दिया यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन का साइन चढ़ाएं फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करें तो डी अपॉन डी एक्स, किसका डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ टू एक्स डी एक्स, फिर इसका क्या कर देंगे पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये दो फंक्शन अगर मल्टीपल में हो तो उसका करने का ये सूत्र है फॉर्मूला। अब इसमें देखते हैं कि फर्स्ट फंक्शन किसको माने और सेकंड फंक्शन किसको माने, तो इसके कुछ सामान्य रूल भी होते हैं कि अगर हमारा बीजगणितीय फलन है उसे हम फर्स्ट मानना है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसे हमें सेकंड मानना है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल होता है वो इलेट होता है। इलेट वाला फॉर्मूला आप याद रखें, इलेट के अकॉर्डिंग आप किस फंक्शन को जो फंक्शन पहले आए उसे आपको फर्स्ट मानना है और जो फंक्शन आपका सेकंड आए उसे आपको जो उसके बाद में आए उसे आपको सेकंड मानना है। देखिए समझते हैं पहले, जैसे यहां पर हमने लिखा इलेट, इलेट का मतलब समझ लेते हैं, इलेट इलेट में आई का मतलब इनवर्स फंक्शन होते हैं, इनवर्स इनवर्स फंक्शन माने जाते हैं, इनवर्स फंक्शन फॉर एग्जांपल जैसे साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स, ये सभी फंक्शन यूटीसी ये सभी किसमें आते हैं इनवर्स फंक्शन में आते हैं। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन फंक्शन यानी हिंदी बोला जाता है लघुगणक फलन, जैसे लॉग एक्स लॉग टू एक्स इस प्रकार के फलन होते हैं वो लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं। ए का मतलब होता है एलजेब्रिक फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन एलजेब्रिक फंक्शन यानी इन्हें बोलते हैं बीजगणितीय फलन, हिंदी में बोला जाता है बीजगणितीय फलन, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यू डॉट 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 इस प्रकार से आते हैं। टी का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिगोनोमेट्रिक मैट्रिक फंक्शन इसे बोला जाता है त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन में कैसे आते देखिए साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं वो त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी इन्हें बोलते हैं चर घातांकी फलन हिंदी में, जैसे ई की पावर एक्स ई की पावर टू एक्स ई की पावर थ्री एक्स। तो होता क्या है इलेट का रूल क्या है, इलेट ये कहता है कि जो फंक्शन पहले आए, जैसे दो फंक्शन दिए हमारे ऐसे ही ले ली थी एक्स इंटू ई की पावर एक्स और डी एक्स, अब इसमें हमें देखना है कि कौन सा फंक्शन हमारे पहले आ रहा है,
जो पहले आएगा उस फंक्शन को हम फर्स्ट मानेंगे लेट के अकॉर्डिंग, और जो बाद में आएगा उसे क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। जैसे अलजेब्रिक फंक्शन है x और ये e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसमें पहले कौन आया x, तो ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। ठीक है, एक तो देखिए लेट का रूल है, दूसरा एक हम जनरली आपको रूल भी बता देते हैं। होता क्या है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो हमें सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है और फर्स्ट वाले का क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है। तो हमेशा याद रखें, जब दो फंक्शन आपके मल्टीपल में हो, जिस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर सकें, जो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है वो आपका फर्स्ट होगा, और जिसका आप आसानी से डिफरेंशिएशन नहीं जानते, जिसका आप इंटीग्रेशन निकाल पा रहे हैं, उसका क्या होगा, सेकंड होगा। और जब आप दोनों का डिफरेंशिएशन और दोनों का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं तो उसके लिए आपको किसका यूज करना है, एलेट का यूज यहाँ पर करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, दूसरी बात, कुछ रूल और होते हैं फर्स्ट सेकंड में, जैसे कि आपके ये लिखा है इंटीग्रेशन, पहले हम इसे हटा दें आपको, फिर थोड़ा सा और बताते हैं। देखिए जैसे ये लिखा है log x, हमें log x का इंटीग्रेशन करना है, तो होगा क्या, इसके मल्टीपल में हमेशा आपको 1 मानना है और 1 को हमेशा सेकंड माना जाएगा, log x हमेशा फर्स्ट होता है। log x क्या होता है, फर्स्ट होता है, क्योंकि इसका आसानी से हम डिफरेंशिएशन जानते हैं ना, कि इतनी आसानी से हम इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, तो log x फर्स्ट होता है। फर्स्ट कौन सा होता है, फर्स्ट हमेशा जो इनटू में मानते हैं वो हमेशा सेकंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है, तो tan वर्स x के लिए 1 इसके किसमें मानेंगे, इनटू में, और 1 इनटू में मानेंगे वो हमेशा कौन सा फंक्शन होगा, सेकंड, और ये कौन सा फंक्शन होगा, फर्स्ट होगा। तो इस प्रकार से भी फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं क्वेश्चन के आधार पर, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए गए। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसे हम आपको अप्लाई करके बताते हैं फर्स्ट सेकंड को किस प्रकार से अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हमने क्वेश्चन यही ले लिया, एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन का रूल ये कहता है, इलेट के अकॉर्डिंग अगर हम फर्स्ट सेकंड देखना चाहें तो इलेट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि जो एलजेब्रिक फंक्शन है ये पहले आया तो फर्स्ट, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो बाद में आया तो कौन सा होगा, सेकंड, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। होता क्या रूल है, फॉर्मूला क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन को सेम रखें, सेम रखिए, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं। एक बार हम फॉर्मूले लिख देते हैं, अन्यथा आप डायरेक्ट भी यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी dy ओवर dx into x, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, देखो फॉर्मूला लिख देते हैं, वैसे डायरेक्ट कर सकते हो, e की पावर x dx, तो इस पूरे का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखिए फर्स्ट सेम का सेकंड का इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगा, x का डिफरेंशिएशन करना, तो x का अवकलन कितना होता है 1, और e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर x, इस पूरे का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना, 1 का मल्टीपल करेंगे तो e की पावर x ही हो जाएगा, x e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर x होता है। जब पूरे का हम इंटीग्रेशन कर लेंगे तब एक समाकलन निर्धारक आएगा, समाकलन निर्धारक कितना आएगा, प्लस का सी, अगर चाहो तो आप e की पावर x यहां पर कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो e की पावर x यहां से कॉमन ले लेंगे, e की पावर x, तो बचेगा क्या यहां पर, x माइनस 1 और प्लस का सी। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को यहाँ से कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड के आधार पर। जब दो फंक्शन मल्टीपल में होंगे तब आपको यहाँ पर फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमने आपको अभी log x वाला बताया था कि log x का इंटीग्रेशन किस प्रकार से यहाँ पर निकाले, तो log x का इंटीग्रेशन देखते हैं, log x dx, तो log x के मल्टीपल में इंटीग्रेशन आई बराबर मान लिया, इसे क्या मानेंगे, 1 into करके मानना, और 1 को हमेशा सेकंड मानना, log x को क्या मानना है, फर्स्ट फंक्शन मानना। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या कहता है, इंटीग्रेशन निकालते टाइम में फर्स्ट फंक्शन सेम रखिए, तो सेम रख लीजिए log x को, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन x, फिर माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करिए, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 / x, सेकंड का इंटीग्रेशन करिए, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x, और इनटू में कितना आएगा यहां पर, dx। ठीक है, अच्छा चलिए यहाँ पर, यहाँ x log x, x से x कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा यहाँ पर, x हो जाएगा, प्लस एनी कॉन्स्टेंट क्या आएगा यहाँ पर, c आएगा, यहाँ से आप x कॉमन भी ले सकते हैं, x
एक्स कॉमन निकाला तो बन आ गया यहाँ पर लॉग एक्स, और माइनस का कितना आएगा यहाँ पर वन, और प्लस का सी। इस प्रकार से ये इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से आप इलेट के यूज करके भी यहाँ पर इंटीग्रेशनों को कर सकते हैं।